अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ़िश दो प्याज़ा शेयर करने वाली हूँ। इसकी रेसिपी बहुत अच्छी है, ये बहुत टेस्टी और लजीज फ़िश बनती है और मेरी तो फेवरेट है ही। अब आपकी भी बनने वाली है, ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल चेंज और मुनफरिद रेसिपी है, आप जब बनाएंगे इसको खाएंगे तो आपको बहुत ही लजीज और लगेगी। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या जाता है। और इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा कि फ़िश ताज़ा और फ्रेश लें, ये मीठे पानी की फ़िश है, आप समंदर की फ़िश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या ऐड करना है। मैंने 1 किलो फ़िश ली है और इसमें मैंने 2 लीमू का रस रखा हुआ है और 1 टीस्पून मैंने नमक डाला हुआ है। इसको फ़िश के ऊपर डाल के हमने फ़िश को मैरिनेट करके साइड पे रख लेना है ताकि फ़िश की हीक वगैरह ख़त्म हो जाए। तो आप इसको फ्रिज में रख लें, बेशक आप दोपहर को लगा के रख लें, आपको जल्दी बनानी है तो आप 1.5 घंटे 1 घंटे में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर कम अज़ कम भी आप इसको 1-1.5 घंटे के लिए रख सकते हैं, उसके बाद आप लोग बना लें। अब आते हैं हम लोग दूसरे इंग्रेडिएंट तरफ। गरम मसाले में आप देख सकते हैं 2 तेज़पात हैं, 4-5 लौंगे हैं, जावेत्री के 3-4 टुकड़े हैं, छोटी इलायची है 4 अदद और दालचीनी है 2-3 टुकड़े और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1-1 टीस्पून। मसालों में आप देख सकते हैं गरम मसाला 1 टीस्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून है और मिर्ची है 1 टीस्पून पिसी हुई, धनिया है पिसा हुआ 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून है, नमक हस्ब ज़ायका यहाँ मैंने 1 टीस्पून उठाया हुआ है और 2 अदद टमाटर बड़े मैंने पीस के यहाँ रखे हुए हैं और 2 प्याज भी मैंने ग्रेंड करके मोटा मोटा पीस के यहाँ रखा हुआ है। आप लोग आमलेट कटिंग में भी ले सकते हैं, छोटा छोटा काट के आमलेट कटिंग में कर लें और उसको भी उठा सकते हैं। दही है 1 कप और पीछे आप देख सकते हैं ये प्याज है, असल इंग्रेडिएंट्स यही है फिश के साथ, छोटा छोटा प्याज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं प्याज वही छोटा और नींबू है 2 टेबल स्पून और सब्ज़ 4-5 मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए उठाई हुई हैं। अब प्याज को हमने आप देख सकते हैं किस तरह, ये देखें मैंने ऊपर से इस तरह कट लगा के इसको साइड पे रख लूँगी, ये देखें इस तरह मैंने 3-4 कट लगा के इसको साइड पे रख लिया है। सारी प्याज में इस तरह कट लगा के रख लूँगी ताकि इसमें मसाला नमक और दूसरी चीज़ें अंदर तक जज्ब हो जाएं। अगर बेबी प्याज छोटे प्याज आपके पास नहीं है तो मैंने इस तरह करके बनाए हुए हैं, ऊपर वाला छिलका आप निकाल के किसी सालन में यूज़ कर लें, नीचे वाला हिस्सा जो बिल्कुल छोटा छोटा बेबी की प्याज की तरह निकलता है उसको यूज़ करें। ये देखें आयल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने कढ़ाई पहले ही रखी हुई थी तो इसमें ऑयल डाल के इसमें गरम मसाला डाल देंगे। कुछ देर तक हमने गरम मसाले को इसी तरह भूनना है, गरम करना है, ये थोड़ी सी खुशबू छोड़ने लगे तकरीबन 10-12 सेकंड के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर देना है। प्याज का कलर चेंज होने तक हमने इसको भूनना है, इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना है, बस वही थोड़ा सा पिंक हो जाए, सुनहरी कलर हल्का सा हो जाए तब तक हमने इसको इसी तरह भूनते रहना है। आप देख सकते हैं हमारे प्याज का कलर हल्का सा पिंक हो गया है,
तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लूँगी। इसको तकरीबन 10-12 सेकंड तक इसी तरह भूनूंगी। जब अदरक लहसुन का पेस्ट खुशबू छोड़ने लगेगा तो जो मसाले हमने रखे हुए थे पिसे हुए वो सारे इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया हुआ था थोड़ी देर मसालों को भूनने के बाद वो इसमें ऐड कर लेंगे। टमाटर और प्याज को अच्छे तरीके से मिला के हम कुछ देर के लिए भूनेंगे। जब तक थोड़ा सा आयल छोड़ दे और टमाटर अच्छे तरीके से भुन जाए तो ऊपर से ये दही जो मैंने आपको दिखाई है ये भी हम लोग इस पर डाल देंगे। दही को हम कवर करके थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। हमारा भुना हुआ मसाला तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा और खूबसूरत कलर इस पर आया है। अब जो प्याज मैंने बेबी प्याज बीच में से हल्के हल्के कट लगा कर रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर लूँगी। थोड़ी देर के लिए इसको भूनूंगी अच्छे तरीके से। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख लेंगे। हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल। मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको कवर किया हुआ था। अब मैंने इसमें फ़िश ऐड कर ली, फ़िश जो पहले से मैंने मैरिनेट की हुई थी तो वो मैंने इसमें डाल दी। फ़िश ने जो नमक की वजह से अपना पानी छोड़ा था वो हम गिरा देंगे और फ़िश को हम इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर फिश और इनको मिला के थोड़ी देर के लिए हम फिर भूनेंगे, चम्मच चलाएंगे इसी तरह तकरीबन 10-12 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं हमने चलाना है। अब मैंने इसको बगैर पानी डाले थोड़ी देर के लिए कर लिया था, आप देख सकते हैं कुछ भी हमने इसमें अभी तक नहीं डाला ना। अब मैं इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी डाल के और दरमियानी आंच पर रख लूँगी। ये 1/4 कप पानी मैंने पहले ही अपने पास रखा हुआ था वो मैंने पूरा तकरीबन डाल दिया। अब इसको हल्की आंच पर मैंने रखा हुआ था, आप देख सकते हैं कवर कर उतारने के बाद कि इसकी ग्रेवी आपने कितनी बनानी है अपने हिसाब से। मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं, आप ग्रेवी इसकी अपने हिसाब से रखें जितनी आपको अच्छी लगे। मैंने नींबू डाल दिया। इसी नींबू डालने के बाद आप इसको कुछ देर के लिए कवर करके रखते हैं। तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद आप इसका कवर उतार के देख लें कि आपके हिसाब से ये मसाला तैयार हो चुका है तो आप इसको डिश आउट कर लें। मैं देख सकती हूँ कि मुझे इतना ही मसाला चाहिए और ये बिल्कुल सही वाला मसाला इसका बैठा है तो मैं अब इसको डिश आउट कर लूँगी। आपको अगर कुछ ग्रेवी रखनी है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मगर वैसे में फ़िश में इतना ही मसाला अच्छा लगता है और टेस्ट भी देता है। देख सकते हैं कितना अच्छा और प्यारा कलर फ़िश पे आया है। फ़िश 2 प्याज़ा आप ज़रूर बनाइएगा, इसमें प्याज ज़्यादा डलता है मगर बहुत अच्छा लगता है, साबित प्याज इसमें जाता है, बिल्कुल चेंज और मुनफरिद जायका होता है इसका। मैंने रोहू फ़िश मीठे पानी की इस्तेमाल की थी, आप कोई भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी डिशेस कैसी लगती हैं।